हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिंदी में सीखो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप अपने मोबाइल से पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाएंगे। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है लेकिन उनके पास अच्छे अच्छे फ़ोन हैं, तो दोस्तों आप उस मोबाइल से मात्र 2 या 3 मिनट में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं और दोस्तों बनाने के बाद उसको आप जाके प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप ये सब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आगे भी आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप घंटी के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप घंटी के आइकन पर क्लिक कर देते हैं तो आप मेरी नई नई आने वाली वीडियो को देख सकेंगे और उसका नोटिफिकेशन पा सकेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज की नई वीडियो। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे सर्च कर देना है पासपोर्ट आईडी फोटो मेकर स्टूडियो। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं नीचे टाइप करके रखा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको सर्च कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐप मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो सबसे पहली वाली ऐप है आपको इसी को इंस्टॉल करना है। आप इसका आइकन ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं इसको पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ और आप देख सकते हैं कि इसको 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है और 13,184 लोगों ने 4.3 की रेटिंग दिया है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमारा फ़ोटो ऐप परमिशन मांग रहा है तो मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कट कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको इसको गॉट इट कर देना है। अब आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से आपको कैंसिल कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप कैमरे से लेना चाहते हैं तो कैमरे से ले सकते हैं, अगर आप गैलरी से लेना चाहते हैं तो गैलरी से ले सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मैं कैमरे से फ़ोटो नहीं लूँगा तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे गैलरी है, तो मैं गैलरी ओपन करके कोई फ़ोटो ले लेता हूँ। मैं यहाँ से गैलरी ओपन किया और यहाँ से गैलरी में चला गया, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो आ गए हैं। अब मैं इसमें से कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। फ़ोटो लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ़ोटो टेढ़ा है। अगर आप इसको सीधा करना चाहते हैं तो आप यहाँ रोटेट पर क्लिक कर दीजिए, आपका फ़ोटो सीधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मिरर का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों इससे होता क्या है कि हमारे फ़ोटो का एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा एक लास्ट ऑप्शन है फ्लिप का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोटो उल्टा हो रहा है, ठीक है। अब आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा शेप चेंज का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ से अपने फ़ोटो का एंगल चेंज कर सकते हो। दोस्तों कभी कभी होता है कि हमारा फ़ोटो टेढ़ा रहता है, तो आप यहां से इसको सीधा कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल दोस्तों मैं इसको रहने देता हूं। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं। अब दोस्तों आपको यहां से अपने फ़ोटो की साइज लेना है। आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं, कस्टम लेना चाहते हैं, फ्री लेना चाहते हैं, और आपको यहां पे तमाम प्रकार की साइज मिल जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल मैं स्टैंडर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे चले जाइए, यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इंडिया भारतीय पासपोर्ट कर देता हूँ। अब आपको इसको अपने चेहरे पे सेट करना है, तो मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्रॉप पे क्लिक कर देना है। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको नीचे बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, आप सबका यूज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से इसकी लाइटिंग बढ़ा सकते हो। दोस्तों इसी तरह से आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप सबका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको अपने फ़ोटो को सेव करना है, तो मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐड बॉर्डर फोटो, चेंज बैकग्राउंड। तो मैं ऐड बॉर्डर फोटो पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको अपने फ़ोटो के बॉर्डर को कैसा रखना है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ब्लैक रखना है, ग्रीन रखना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड का ऑप्शन भी दिया है।
तो आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐड आती है तो आपको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा फोटो सेव हो चुका है। मैं अपना गैलरी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो सेव हो चुका है और आप इसका बॉर्डर भी देख सकते हैं ब्लैक कलर का। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं अपना फोटो ऐप ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमारा फोटो रेडी हो चुका है। अगर आपको मल्टीपल फोटो बनाना है तो आपको रेडी टू प्रिंट पे क्लिक कर देना है, तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको ओके कर देना है, नेक्स्ट 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 और यहाँ से लेटर कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक फोटो आ चुका है, तो आपको सिंपली फोटो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मल्टीपल फोटो का, व्यू गैलरी का, एडिट अगेन का, चेंज बैकग्राउंड, शेयर फोटो। अब दोस्तों मैं प्रिंट मल्टीपल कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको अपने पेपर की साइज को चूज करना पड़ेगा कि आप कौन से पेपर पे इसको निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे A4 साइज दिया है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा पासपोर्ट साइज बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों एक ऐड आती है, उसको कट करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 4 या 5 या 6 फोटो निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे। तो मैं रेडी टू प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से अपना फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ से 4x6 लेना है, तो मैं 4x6 पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा 4x6 का पेपर आ चुका है और उस पर हमारा 6 फोटो बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ इसको प्रिंटर में ले जाके लगा देना है और आपको अपना फोटो निकाल लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि आप अपने मोबाइल से पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार इसी तरह की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।